नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो पे। तो आज ये हमारे पास विटारा ब्रिज है, ZDI प्लस डीजल है। तो इसकी 1,20,000 की जो सर्विस कॉस्ट आती है वो आपको बताऊंगा मैं। तो ये मेरे पास बिल है पूरा, मारुति साहब भी मैंने करा रिसेंटली, 3-4 दिन हो गए। तो काफ़ी गंदी होगी गाड़ी क्योंकि पॉलिश वगैरह टायर वगैरह पर लगी हुई थी। तो ये कुछ चार्जेज आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ के दिखाया था एक बार। तो इसमें दोस्तों PMS चार्जेज, जो मेंटेनेंस, जो पीरियडिक मेंटेनेंस सर्विस होती है, उसके जो चार्जेज लेते हैं ये 3465 रुपये लिए इन्हें, और डायग्नोस्टिक चार्ज लेते हैं 930 रुपये। तो ये बेसिकली इसमें जो लेबर चार्जेज है वो है ये। इसमें मतलब ये मेजर सर्विस होती है 1,20,000 वाली। मैं आपको किलोमीटर दिखा दूंगा बाद में, पहले मैं आपको चार्जेज बता देता हूँ। फिर आते हैं एलिमेंट एयर फिल्टर, और ये है 313 रुपये का। उसके बाद फ्यूल फिल्टर आता है, ये है 1,355 रुपये का। कूलेंट आता है 474 रुपये का। क्लिप आती है, ये कोई क्लिप होगी 31 रुपये की। फिर एलिमेंट ऑयल फिल्टर आता है, ये है 326 रुपये का। फिर प्लग असेंबली ऑयल ड्रेन आती है, ये 82 रुपये की। और मेरे फ्रंट का राइट का सस्पेंशन का एक आर्म ख़राब हो गई थी, तो वो लगभग 1,246 रुपये की, लगभग 2,500 की पड़ती है विद लेबर। तो इसमें मेरे को 1,200 के आसपास का ये जो पार्ट कॉस्ट आई वो है। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर जो पानी डालते हैं बैटरी के अंदर 15 रुपये का। पैकिंग पैड है कोई 25 रुपये का। और ब्रेक फ्लूड भी चेंज हुआ इसके अंदर, तो 313 रुपये का ब्रेक फ्लूड आया। और उसके बाद रस्ट स्मैश कुछ चीज़ होगी, ये 88 रुपये की। उसके बाद स्क्रीन वॉश आई, ये 28 रुपये की। मैं आपको चार्ज दिखा देता हूँ। उसके बाद आया ये डीजल, जो ये उसमें वो डलता है इंजन ऑयल, वो आया 1,678 रुपये का। तो टोटल लगभग 10,000 रुपये के आसपास की मेरे को ये सर्विस पड़ी। मतलब अगर मैं अपने वो जो सस्पेंशन इसके अंदर ख़राब था, 9,900 के आसपास की सस्पेंशन के साथ पड़ती है, लगभग 12,500 के आसपास की। तो वही है आपको मतलब मेजर सर्विस, 1,20,000 की जो ब्रिज है डीजल की, इसका आप मान के चलो 9,000 रुपये के आसपास, 9,500 के आसपास पड़ेगा आपकी सिटी के हिसाब से। बाकी अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको आप ये मेरी वीडियो दिखा सकते हो, या फिर आप उनको बोल सकते हो भाई जो शेड्यूल सर्विस है वही कर दो बस, जो लिखा हुआ है मारुति शेड्यूल में। और मैं दिखा किलोमीटर दिखाता हूँ आपको एक बार, देखो 1,20,690 के आसपास गाड़ी चल चुकी है। तो ये सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन होता कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अब मैं इसका 1,20,000 का एक रिव्यू और लेके आऊँगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।